चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसे 0.30 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 0.60 आ गया, ये 0.47 आ गया, और ये आ गया 1 माइनस। इसको करेंगे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 19, तो ये आएगा 0.94, ठीक है ना। हाँ तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 0.60 और 0.47 तो मेरे हिसाब से 0.13 आएगा, 10 और 7 3 5 1 4, तो ये आ गया 0.13, और नीचे आएगा 0.06, ठीक है। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर लेना, 0.13 और 0.06, 0.13 डिवाइडेड बाई 0.06, तो 2.166 आ रहा है, 2.166, मेरा तो 2.166 आ रहा है, 0.13। एक बार देख लेते हैं दोबारा पॉइंट, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये, दोबारा नहीं करेंगे इसे। हाँ तो 0.13 है, और 1 माइनस 0.94, 0.06 है, तो 0.13 डिवाइडेड बाई 0.06 आपके आ रहे 2.16, ठीक है। ये सॉल्व करके 2.16 आ रहा। तो आपको ये पता चल गया बच्चे कि के 308 और अपॉन में के कितना था, 296। 308 था एक, दूसरा क्या था, 308 था और 298 था ना, 298, ये दोनों केल्विन में है, 308 और 298, ये आपका आया 2.16। कहाँ यूज़ होगा तो अभी देखो, क्योंकि सबसे पहले हमें या तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी होगी या एक चीज़ निकालनी पड़ेगी। हमें एक फार्मूला पता है कि लॉग के टू बाई के वन, लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 इंटू आर, और आपको पता है यहाँ पे आते हैं टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू, ये चीज़ें, और ये 308 और ये 298, ये 308 और ये 298, तो ये आ गया लॉग 2.16, लॉग 308 बाई 308 और ये 298, 308 बाई 298, तो ये 2.16 ई ए, और यहाँ आ गया 2.3, आर की वैल्यू 8.3। देखो दोनों टेम्परेचर तुम्हें पता है, टी टू कितना है 308, टी वन कितना है 298, और यहाँ पे टी वन 298 और टी टू है 308, ये चीज़ बस इसे सॉल्व कर लेंगे। लॉग 2.16 की वैल्यू आप लोग देखना बच्चे कितनी आ रही है, मैं बताता हूँ आपको, लॉग किसकी निकालनी है, 2.16 की, लॉग 2.16 आप पे आ रहा है 0.3344, 0.3344 यार फ़ोन ने बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा, 0.3344, तो ये चीज़ आई आपकी 0.3344, यहाँ पे है ये 2.3 और 8.3 आपको पता है 19.09 आता है, 308 298 प्लस 10 तो आप पाएगा 308, तो यहाँ पे 10 आएगा, और यह है 298 और यह है 308, बस इसे करो सॉल्व कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है ये तीनों चीज़ें इधर जाएगी और 10 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो पॉइंट कितना है 3344 मल्टीप्लाई बाई 19.09 मल्टीप्लाई बाई 298 मल्टीप्लाई बाई 308 और डिवाइडेड बाई 10, तो आप पे आएगा 58592, आप पे आ गया ई ए 58592, 0.11 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप पे आ गया जूल पर मोल, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आपको बताना भी है तो यहाँ पे किलो जूल पर मोल बता दो, तो 58.592 किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद हमें तो कुछ और ही चीज़ निकालनी थी, शायद हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या ऐसी कोई चीज़ निकालनी थी इस क्वेश्चन में, या तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना था या कुछ और ही चीज़ निकालनी थी। हाँ तो हमें वैल्यू ए की दे रखी है, हमें के निकालने 318 केल्विन में, ए की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स, तो हमें के निकालना है कब का,
318 केल्विन का, ये तो हमने निकाल दिया। अब एक सिंपल सी बात है, इसे निकालने का तरीका क्या है? वी नो दैट कि लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आरटी होता है, ये तो हमें पता है। टेम्परेचर हम ये डाल देंगे 318, के तो सेम ही रहता है, के तो हमें निकालना पड़ेगा। देखो लॉग ए कितना है, ए है 4 × 10^10। ई ए आपको जूल वाला रखना पड़ेगा जो है 58592। टी आपको पता है 318 है, इंटू 2.3 इंटू आर हो गया 19.09। ये चीज़ है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है, के हमें निकालना है, एंटी लॉग से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको अलग करेंगे, देखो मैं यहाँ कर लेता हूँ आपके लिए, लॉग 4 × 10^10 है, इसको अलग करोगे तो आप लिखोगे लॉग 4 प्लस लॉग 10^10, ये 10 आगे आएगा, 10 लॉग 10 बन जाएगा, लॉग 10 तो 1 होता है। 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, 2 आगे आएगा तो ये 2 लॉग 2 है, ठीक है। तो फाइनली देखो यहाँ से क्या आएगा, इसको करेंगे तो 2 × log 2 हो गया 0.30, और यहाँ से आया 10, तो 0.30 × 2 हो गया 0.60 और 10, तो ये आपके आए बच्चे 10.60। तो ये 10.60 आ गया, और माइनस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर एंटी लॉग ले लेना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। लंबा क्वेश्चन है तो क्या हुआ, कर तो सकते ही हो ना, 58592 डिवाइड बाई 318, ठीक है, डिवाइड बाई 19.09, तो आप कह रहे हैं 9.65, और ये है लॉग के। तो दोनों साइड एंटी लॉग ले लेना, पहले 10.60 और 9.65 को डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है ना, 10.60 माइनस 9.65, दोनों को डिवाइड कर लो, 0.95 आ रहा है आप पे, 0.95। ये किसकी वैल्यू है, लॉग के की। तो के क्या हो जाएगा, के एंटी लॉग हो जाएगा बच्चे, दोनों साइड एंटी लॉग लगाना, लॉग से एंटी कैंसिल होगा तो एंटी लॉग ऑफ 0.95 आ जाएगा। नो एंटी लॉग आप लोग निकालिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है, इसका एंटी लॉग क्या है, ठीक है, देख लो क्या है। जितना भी आ रहा है वो लिख लो, है ना, जो भी वैल्यू आ रही है एंटी लॉग की वो लिख लो, ठीक है। तो यहीं से आपका जो भी आंसर आएगा वो लिख लेना, ठीक है, एंटी लॉग निकाल लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन देखते हैं। तो नया क्वेश्चन आप पे है इसी में, चलिए ये तो हो गया, ये वाले भी सारे हो गए, 4-5 बुक करा दी इस बार मैंने तुम्हें ना, ठीक रहेगा, सारे तरीके से कर लो, फ़ायदा ही है तुम लोगों का ना, जितना करोगे अलग अलग तरीके से तो बढ़िया होता है। हाँ ये वाले भी हो गया, एक मिनट बस नया करते हैं फिर, ये सारे हो गए, ठीक है, एक एक कर लो। देखो रेट कांस्टेंट के ऑफ ए रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर टी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इज लॉग के इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस ई ए बाई 2.303, दिस इज योर स्लोप, ओके, n1/t, ठीक है। लॉग के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस ई ए बाई 2.303 1/t, यू नो वट इज कॉन्स्टेंट, इट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, टी इज वो। तो वेन ग्राफ, क्वेश्चन इज वेन ग्राफ मैंने बोला था एक स्लोप वाला क्वेश्चन आएगा ना, ऐसी है, वेन ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर लॉग के वर्सेस 1/t, स्ट्रेट लाइन इज ऑप्टेंड। आपको पता है स्ट्रेट लाइन ही आएगी क्योंकि लॉग के t के तो इन्वर्स है पर 1/t के डायरेक्ट है, ठीक है। विथ स्लोप, जिसका स्लोप है
-6670 केल्विन, स्लोप है -6670 केल्विन। तो ये निकालना है आपको, है ना। ये तो जब भी बच्चे मैंने आपको बताया था आप लॉग के और 1/t का स्लोप बनाओगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप आपका जो होगा वो होगा -EA/2.303। ये आप पे होता है और r भी आता है -EA/2.303 r। बस वही स्लोप आपको दे रखा, तो आपको यहाँ से ई ए निकालना है। तो ये आपके लिए अब केक वॉक हो गया, आप आराम से निकालो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वी नो दैट, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपको पता ही है। लॉग के 1/t का वो दे रखा, इक्वेशन ये रही, इक्वेशन आपको पता है। तो ये वाई हो गया, ये सी है, ये क्या है एक्स है, और ये एम है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन हमेशा नेगेटिव बनती है, आपको पता है इसमें भी ना, तो जल्दीबाजी में हमने कर लिया, पर ऐसी बनती है ना। और फिर आप स्लोप बनाते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। तो ये स्लोप ही आपका कितना है, -EA/2.303 r है। तो स्लोप है -EA/2.303 r। सर t क्यों नहीं लेना, t खुद एक्सिस को डिनोट कर रहा है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे इन्होंने स्लोप खुद दे रखा है -6670, ये दे रखा है, ठीक है। तो होगा क्या, ई ए निकल जाएगा। तो ई ए की वैल्यू क्या आएगी, ई ए की वैल्यू आएगी 6670 इंटू 2.303 इंटू आर। आपको पता है ये दोनों 19.09 बनाते हैं, तो 6670 इंटू 19.09, जो भी आ रहा आंसर लिख लो, ठीक है। 6670 इंटू 19.09 तो आपका आ रहा है 127330, ठीक है, 127330। और जो आगे आ रहा 0.3 वो छोड़ो, 127330 जूल पर मोल आ गया, 3 पॉइंट हटा देंगे तो 12.733, नहीं 127 ना, 30 है, तो 127.330 किलो जूल पर मोल, ये आपको बच्चे आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। देख लो कैसा आया, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बढ़िया क्वेश्चन। अब बचा क्या, बढ़िया ये कर लिया, बताओ 4-5 बुक भी हो गई तभी कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिल रहा। चलो एक ये देख लेते हैं, ये वैसे कर लिया है पर एक और बार इसी से मिलता जुलता देख लो, प्रोफेशन से आ जाएगी आप लोगों की। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कैलकुलेट रेट कांस्टेंट के एट 400 केल्विन, अरहेनियस फैक्टर दे रखा 4.3 × 10^10 सेकेंड इनवर्स, और एक्टिवेशन एनर्जी आपकी है 103.344 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 103.344 किलो जूल पर मोल के निकालने हैं आपको, ठीक है। जौन सी भी आपको यूज़ करनी है, एक्सपोनेंशियल वाली की तो आदत नहीं होगी, यही वाली यूज़ कर लो बच्चे, कि लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 r t, ठीक है। तो के आपको निकालना है लॉग के, लॉग ए, ए की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4.3 × 10^10, ठीक है। माइनस ई ए आपको दे रखा है और इसे जूल में कन्वर्ट कर लेना, तो 103.344 है, किलो में है, किलो को जूल, किलो जूल पर मोल को जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10³ लगा दिया इस किलो को हटा के। नीचे है 2.3 और आर, आपको पता है 19.09 होता है, और टेम्परेचर की वैल्यू आपकी 400 है, तो आप लोग अब इसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ये लॉग वाली मैं आपको कहानी बता देता हूँ, ये अलग होगा, तो लॉग 4.3 प्लस लॉग 10^10 आ जाएगा, है ना, 10^10 ऐसे, और फिर ये 10 आगे आएगा तो ये बनेगा 10 log 10, और फिर इसके बाद log 10 1 होता है जब भी बेस क्या हो 10 हो, तो 10 आ गया। और log 4.3 की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, है ना, कितनी आएगी log 4.3 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपकी आएगी 0.633, ये log 4.3 आएगा 0.633 और 10, तो यहाँ से तो आपके 10.633 आ गया, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेना कितना नेक्स्ट लाइन में 10.633। अब यहाँ क्या है, 19.09 × 400 है, तो हम लिख सकते हैं 1909 × 4
10 की पावर 3 हटेगा तो ये पॉइंट हट जाएंगे। बस इसे सॉल्व करिए अब, ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर देखिए कितना आ रहा है। तो आप पे आ रहे हैं 103 344, 103 344 डिवाइडेड बाई 1909, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 आपका आ रहा है 13.53, ठीक है। तो 10.633 माइनस 13.533, तो इसका मेरे हिसाब से -3.100 आ जाएगा। देखना इतना ही आएगा, 10.633 माइनस 13.533, 10.633 माइनस 13.533, 3 3 0, ये अच्छा, हाँ उल्टा है ना, 15 6 9 आएगा, -2.9 आ जाएगा, -2.9 लॉग के की वैल्यू आई। तो के की वैल्यू आपको पता है एंटी लॉग से निकल जाएगी, तो एंटी लॉग ऑफ -2.9 निकाल लेना, जो भी आएगा वो आपका सेकंड इन्वर्स में आना चाहिए, ठीक है। ये निकाल लोगे ना, साबाश, जो भी आएगा वो आप सेकंड इन्वर्स में निकाल लेना। इनका आंसर है 1.38 इंटू 10 की पावर -3। प्लीज़ चेक 1.38 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है, लगभग इतना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कुछ काम का मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि एट 300 केल्विन अ सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड, 50% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। एट 350 केल्विन द सेम रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 5 मिनट। अब जरूरी नहीं है कि वो 100% 10 मिनट में हो जाए, ऐसा नहीं होता। सॉडी लॉ और रदरफोर्ड लॉ होता है, उसके हिसाब से चलता है, आगे पढ़ोगे, है ना। कैलकुलेट करना है बच्चे आपको एक्टिवेशन एनर्जी, यह है कि 300 केल्विन में कोई सर्टेन रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, मतलब हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ से के निकल जाएगा, तो एक के यहाँ से निकलेगा, एक के यहाँ से निकलेगा, क्योंकि दोनों 50% है, और ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ डेटा क्या कहना चाह रहा है। देखिए पहला टेम्परेचर आपको दिया बच्चे 300 केल्विन, और 300 केल्विन में उन्होंने बोला एक सर्टेन रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई, मतलब हाफ लाइफ आ गई, ठीक है। तो हाफ लाइफ आ गई, तो ये टी हाफ है, टी हाफ कितना है, 20 मिनट है। कब, जब, देखो ये टी टाइम है, ये टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, कन्फ्यूज ना होना। टी हाफ इज टाइम एंड T1 T2 आर टेम्परेचर, ठीक है। तो टी हाफ 20 मिनट है, तो ये टी हाफ पहला वाला है, तो यहाँ से K1 निकाल लेते हैं, K1 होगा 0.693 बाई टी हाफ, यही तो होता है 0.693 बाई टी हाफ, या टी हाफ 0.693 बाई K होता है। आज दो अलग अलग टेम्परेचर है, तो K1 K2 निकालेंगे अलग अलग, तो यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। ऐसे आप T2 जो है, आपको T2 आपको दे रखा 350 केल्विन, और यहाँ पे जो आपका टी हाफ है नया वाला, वो टी हाफ को क्या मानोगे, ऐसे मान लोगे T1 हाफ T2 हाफ मान लो, मुझे कोई नहीं है दिक्कत, वो 5 मिनट है, ठीक है। तो जो यहाँ के करस्पॉन्डिंग K2 निकलेगा रेट कांस्टेंट, वो हो जाएगा 0.693, तो वही रहता है 2.303 log 2 आता है ना, और नया टाइम क्या है, 5 है। तो K1 K2 आ गया आप पे, अब आप अरहेनियस इक्वेशन लगा लो और ये निकाल लो, तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है, T1 T2 ये लगा लो आप लोग, आ जाएगा। तो log, ध्यान से देखो, K2 K1 क्या है, K2 इज 0.693 बाई 5, प्रिंसिपल डिविजन इज दिस, और फिर है 0.693 बाई कितना, 20, ऐसे लिख लिया। ई ए आपको निकालना है 2.303 और आर 8.3 होता है, तो ये 19.09 आएगा। T2 माइनस T1 करेंगे, 350 300 है, तो 350 माइनस 300 और यहाँ हो जाएगा 300 × 350। ये बस इसे आप सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, आगे बढ़ते हैं।
तो इतना मिटा दिया, आप लोग देख लिया करें। और 0.693 से 0.693 गया 5 नीचे 20 ऊपर, तो आप पे आएगा लॉग कितना, यहाँ पे 20 ऊपर 5 नीचे, क्योंकि 5 ऊपर था डिनोमिनेटर, 20 नीचे था डिनोमिनेटर, तो 20 ऊपर 5 नीचे। यहाँ पे आया ये, यहाँ पे आया 19.09, 350 माइनस 300 हो गया 50, यहाँ पे है 300, यहाँ पे है 350, ठीक है, ऐसा है। 350 माइनस 350 होगा। अब देखिए ये दो जीरो पॉइंट कैंसिल, 57 जा 35, 57 जा 73 जा आपका 21 हो जाएगा, 54 जा 20 हो जाएगा, है ना। ये CBSE वाले बच्चों के लिए थोड़ा मैं प्रेरित हो जाता हूँ तो ऐसा कर देता हूँ, हालांकि टाइम बंदिशें ये करने की हमें शोभा नहीं देता। लॉग चार है, लॉग चार हो गया 2 का स्क्वायर, 2 जाएगा आगे, तो 2 लॉग बेस 10 2 आ गया, और लॉग बेस 10 2 होता है 0.30, तो 2 इंटू 0.30 हो गया 0.60। यहाँ 0.60 है, यहाँ ईए है, यहाँ 1909 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 7321 है, तो इन दोनों को ऊपर भेजना, तो ईए की वैल्यू आएगी 1909 इंटू 21 इंटू 0.60। अब पता है आपको 21 बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसे 20+1 करके करिए, काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 19.09 इंटू 21 इंटू 0.60, 240.534, 240.534, मेरा तो इतना आ रहा है बच्चों, 240.534। देखो आप लोग भी, आपको कितना आ रहा है, देखो तब बता देना, मेरा तो इतना आ रहा है, ठीक है। ये कुछ और तो नहीं है, 24 तो नहीं है, 240 नहीं होगा यार, 24.534 होगा शायद, अगर होगा तो 19 पॉइंट, हाँ ठीक है, 350 ये ठीक है, 0.60 ठीक है, 57 जो 35, 73 जो 21, हाँ ठीक है, तो आपका आएगा 24.053, ठीक है, और ये आपका आएगा किलो जूल पर मोल। सर किलो जूल पर मोल में, हाँ वो लगा लेना आप लोग, है ना, 240.53 आए ना, तो उसको उधर भेज देना, तो ये आपका इतना आ जाएगा किलो जूल पर मोल में, ठीक है। बाकी जो भी कन्वर्जन फैक्टर होता है, यू आर मैच्योर इनफ, आप लोग देखा करें। चलिए बहुत बढ़िया, अब ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन मैं आपको घर से दूँ तो वह आपको खुद कर लेना, ठीक है। नहीं ये दोनों मेरे हिसाब से सेम ही है, नेक्स्ट देखेंगे। कोई अच्छा सा क्वेश्चन बता दो यार, क्या है, ठीक है एक एक क्वेश्चन देखें। आपके क्वेश्चन क्या है, आपके क्वेश्चन है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज 75.2 किलो जूल पर मोल इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये बताया था ना मैंने आपको, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट और वो क्या होगा, तो डेल्टा ई आता है, ई ए टू माइनस ई ए वन, एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस आता है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड 50.14 किलो जूल पर मोल विद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इतना है, ठीक है। फिर है हाउ मैनी टाइम्स विल रेट ऑफ अ रिएक्शन आर ओ आर ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब के कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है वो, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट व्हेन रिएक्शन इज एट 25 डिग्री सेल्सियस, रिएक्शन जब 25 डिग्री सेल्सियस में हो तो कितना हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की इतनी है 75.2 किलो जूल पर मोल इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और 50.14 किलो जूल पर मोल है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एब्सेंस में 75.2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब के कितना ग्रो हो जाएगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम इसे 25 डिग्री सेल्सियस में करें, या आपसे कुछ तो कैसे करेंगे इसे,
कैसे करा जाएगा इसे? देखो, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में भी कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है, इसे कुछ मान लेंगे, जैसे ई ए वन मान लेंगे, है ना, और या ई ए टू मान लो, जो भी आपका है ना, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में भी कुछ है, इसे ई ए टू मान लो। देखो, लॉग के और लॉग ए वही रहेगा, है ना, नहीं के भी चेंज होगा, ठीक है। तो रिएक्शन जब 25 डिग्री सेल्सियस में है तब का निकालना है। तो इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे कर सकते हैं हम, यूज़ कर सकते हैं ये चीज़, लॉग के इज़ इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT, ऐसे लिख सकते हैं, आर और टी। अब एक काम कर सकते हैं, यहीं से ना हम दो चीज़ें बना सकते हैं, के की जगह के वन लिख दें, ई ए वन लिख दें, और टेम्परेचर तो वही रहेगा। देखो, हमने सेम टेम्परेचर रखा है, पर एक बार उसी टेम्परेचर में कैटलिस्ट का यूज़ करा है और एक बार उसी टेम्परेचर में कैटलिस्ट का यूज़ नहीं करा है। इस बार टेम्परेचर चेंज नहीं है, इस बार क्या हमने प्रोसेस चेंज कर दी, कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैटलिस्ट का यूज़ करने से किसी रिएक्शन के मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन हो जाती है ना। तो कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी विद कैटलिस्ट, देखो कम लग रही है, पहले 75 लग रही थी, अब 50 लग रही है। विद द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन लोअर्स डाउन, वाई सो, बिकॉज इट प्रोवाइड दी ऑल्टरनेट पाथ। ये बात है, तो टेम्परेचर यही रहेगा। अब ऐसे हम एक और बनाएंगे, लॉग लिखेंगे, यहाँ पे के टू लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे लॉग ए माइनस यहाँ पे ई ए टू, मान लेना ये विद कैटलिस्ट है, और ये 2.303 RT रहेगा। तो बच्चे, जब हम दोनों को माइनस करेंगे, मान लो सेकेंड ये री फर्स्ट ये री, दोनों को माइनस करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट से कर रहे, तो उधर से आएगा लॉग के टू, और इधर से आएगा माइनस का लॉग के वन, ठीक है, उधर से आएगा लॉग ए माइनस ई ए टू बाई 2.303 RT। टेम्परेचर वही रहेगा, एक बार कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर दोनों टाइम में 25 ही है। ये तो सेकेंड हो गया, माइनस फर्स्ट, फर्स्ट क्या है लॉग ए माइनस ई ए वन अपॉन 2.303 RT, ये चीज़ है। अब देखो, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चे, और लॉग ए माइनस लॉग बी बन जाएगा लॉग ए अपॉन बी, तो ये बनेगा लॉग ए अपॉन बी, मतलब लॉग के टू बाई के वन, ये बन गया लॉग ए अपॉन बी। अब देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपको भी पता है 2.303 RT दोनों में है, तो बाहर ले लो, तो 1/2.303 RT। आप रटो मत, आप इस रिएक्शन को करने का दम रखो, आनी चाहिए, यह दोनों से ये कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस है, तो ई ए वन हमारा प्लस हो गया, और माइनस ई ए टू, ई ए टू, ई ए टू माइनस है, बस इसी का यूज़ करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो 75.2 है और 50.14 है, और ई ए वन है ये, 75.2 और 50.14, बाकी सारी चीज़ें तो वैसी है, ठीक है। के हमें पता है, नहीं हमें बताने कि के कितना बढ़ गया, तो यहीं से निकाल लेंगे एंटी लॉक करके। अभी हम क्या करते हैं, इसे हटाते हैं, 75.2 और 50.14 है, 75.2 और 50.14, 1/2.303 RT, 75.2 माइनस 50.14, यह है शायद 75.2 और 50.14, ठीक है, यही है। और यहाँ पे चल रहा है कितना, लॉग के टू बाई के वन, आपको बताने कितना टाइम्स हो जाएगा, है ना, टू टू कब है विद है, और ये कब है एब्सेंस में है, फर्स्ट ना, विद कैटलिस्ट, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब बस टेम्परेचर आपको पता है 25 है, 25 प्लस 273 कितना होगा, केल्विन में करना है ना, 298, तो यहाँ आ जाएगा 1/2.303, आर की वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर है 298 केल्विन, ठीक है, और ऊपर है 75.2 और यहाँ है 50.14, ऐसे 75.2 और 50.14, 10 और 4 हो गया 6, 10 और 4 हो गया 6, 1 1 हो गया 0, 505, ये 25.06 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 25.06, और यहाँ है लॉग के टू बाई के वन, ये चीज़ है, बस अभी इसे सॉल्व करेंगे और आराम से निकालेंगे, ठीक है। तो आप ज़रा देख लेना ये कितना आ रहा है बच्चे, इतना टाइम तो है नहीं, तो आप लोग बस ये बता देना मुझे कितना आ रहा है। तो ये बच्चे आपको 4.40 आ रहा होगा लॉग के टू बाई के वन, और जब आप एंटी लॉग लोगे ना, तो आप ऐसे लिखोगे कि के टू बाई के वन जो,
तो देखिए मैं आपसे क्या कह रहा था, वो वीडियो कट हो गई थी। देखो आपका इतना आ गया था लॉग के टू बाई के वन 4.40, तो के टू बाई के वन क्या होगा, एंटी लॉग ले लोगे, एंटी लॉग ऑफ 4.40 25,000 आएगा। तो इसका मतलब के टू हो गया 25,000 ऑफ के वन। के टू क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और के वन क्या है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जैसे हमने कैटलिस्ट डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन 25,000 गुना हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, देखो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम करी, ऑल्टरनेट पाथ भी प्रोवाइड करा कैटलिस्ट ने, और रेट ऑफ रिएक्शन को इतना ज़्यादा कर दिया। इससे ज़्यादा इसमें कोई न्यूमेरिकल अच्छे नहीं है। चलिए तो दो तीन बातें अब कुछ वैसे कर लेते हैं। देखो हाफ लाइफ का एक और फार्मूला होता है जो आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे, क्या होता है, एन बाई एन नॉट। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ना, नोट डाल के लिख लेना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू हाफ की पावर कितना होता है, एन होता है, ये एन बाई एन नॉट होता है हाफ की पावर एन। ये एन आपको पता है क्या होते हैं, एट टाइम टी, जितने टाइम टी में बचे। और एन नॉट क्या होता है, एट टी नॉट, टी नॉट मतलब इनिशियल टाइम, है ना। हाफ की पावर एन कहाँ से आया वो फिजिक्स में देखेंगे, पर एन क्या होता है, एन इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, एन इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। वट इज़ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या होती है। सारी हाफ लाइफ एक ही जैसी होती है, तो एन क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल टाइम जो हमारा कैपिटल टी है, और वन हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ, किसी एक हाफ लाइफ, टी हाफ, ये ठीक है। तो एन इज इक्वल टू टोटल टाइम टी और नंबर ऑफ हाफ लाइफ हाफ। ये मत सोचना कि केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता, बच्चों आ सकता है, हमें ध्यान रखना है। तो जैसे एक क्वेश्चन यही है कि 87.5% ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड इन 45 मिनट, फाइंड हाफ लाइफ, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन कैसा है, आपसे बोला कि 87.5% किसी भी सब्सटेंस का जो हम किसी स्पेसिमेन में रखेंगे उतना डिकम्पोज या डिसइंटीग्रेट हो गया, तो हाफ लाइफ निकालो। यार ये क्या बात हुई, तो ये कुछ ऐसी बात हुई कि हमें दे रखा एन बाई एन नॉट, हाफ की पावर एन होता है ना, एन इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। वहाँ से निकाल लेंगे कि एक हाफ लाइफ कितनी है, एन तो नंबर होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एन आप पे कितना है, 87.5% है। सर ये है, ये तो डिसइंटीग्रेट हो गए, तो सर बचने वाले लिखो। अच्छा एन क्या था, जो टाइम टी में बचे, शाबाश तुम्हें याद है यार, बहुत बढ़िया। तो एन क्या होगा, जितने बचे, तो चाहे एन आप रफ में निकाल लो, एन क्या होता है, टोटल माइनस डिसइंटीग्रेटेड या डीके, टोटल माइनस डिसइंटीग्रेटेड या डीके। टोटल होंगे 100, डिसइंटीग्रेट हो गए 87.5, बचे कितने 12.5, 12.5% बच गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए n आ गया 12.5, 12.5, एन नॉट कितना है, एन नॉट आपका ओरिजिनल यार 100% होगा, और यहाँ है हाफ की पावर n। ध्यान से देखो सिंपल सी, 12.5 को हम लिख सकते हैं 25/2, ये हमारी राइट, 12.5 को लिख सकते हैं 25/2, तो 25/2/100 हो गया, और यहाँ हाफ की पावर n हो गया। देखिए 25 4 जा 100 होगा, और 4 2 जा 8 होगा। सर क्या कर रहे हो, तो बच्चे ये लो 25/2 तो है, और नीचे कितना है 100 है, तो इसे बना दो 25/200, है ना, ये दो नीचे जाएगा 100 के साथ, तो 25/200 हो गया। 25 8 जा होता है 200, तो ये 1/8 आ गया, सॉरी 1/8 आ गया, और 1/8 होता है 1/2 का क्यूब। ठीक है, 1/2 का क्यूब होता है। तो सिंपल सी बात है, फिर इसे छोड़ो, यहाँ देखो हाफ का क्यूब आ गया हाफ की पावर एन के, एन की वैल्यू 3 आ गई, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, 3 है। और बच्चे टोटल टाइम आपको दे रखा 45 मिनट, तो एक हाफ लाइफ क्या निकलेगी आपकी, यहाँ से देखो 1 हाफ लाइफ होगी, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो एक हाफ लाइफ क्या होगी, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ हाफ लाइफ। देखो ना यहाँ से ये एक हाफ लाइफ निकालनी है, टी हाफ ऊपर गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं चाहिए, और टोटल टाइम टी ऊपर है। 45 मिनट टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम टी 45 है, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है, हाफ लाइफ आपकी 3 है, तो एक हाफ लाइफ आपके 15 मिनट की आ गई। एक हाफ लाइफ आपकी कितने मिनट की आ गई, 15 मिनट की आ गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए और देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन, अगर मिलते हैं तो, ये तो इसे बाय बाय कहते हैं आप। वेरी शॉर्ट आंसर वाले मैं स्नैप दे दूंगा आपको, अब जरा से वन लाइनर्स को पढ़ लेना।
फिर ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर बोलता हूँ पूरी तरीका, आपको पता ही है क्या होता है कि 95% कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, अगर मैं ये बताना चाहूँ आपको अच्छे तरीके से, पहले भी हमने डिस्कस करा था ग्राफिकल अप्रोच से, आज तेरा ऐसे समझे लेते हैं। तो अगर हमने मान लो पहला टेम्परेचर है हमारा टी, और दूसरा टेम्परेचर हमारा कितना हो गया, टी प्लस 10 हो गया। ठीक है, तो आपका राइस कितना हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस का राइस हुआ। इसकी वजह से के वन अगर के है तो के टू 2K हो जाता था यार, के टू 2K हो जाता था, मतलब डबल हो जाता था। ऐसा क्यों होता था मैं बताता हूँ। तो एक इसमें सिंपल सी बात है, फ़र्क तो ये पड़ता है कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट बिकम 2 times। ऐसा होता क्यों है, तो सिंपल सी बात है, विद एवरी, इट इज़ नोटेड दैट, या ये डेटा से पता चला है कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अब वो कैसा भी हो, 10 कैसा भी हो, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो डबल हो जाते हैं। व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो है कि जिस एनर्जी की वजह से प्रोडक्ट बनता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, दो चीज़ों से मिलती है, एक तो मॉलिक्यूल्स पे अपनी कुछ एनर्जी होती है रिएक्टेंट पे, जिसे हम बोलते हैं हीट ऑफ अ रिएक्शन, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी और हीट ऑफ अ रिएक्शन क्या बनाते हैं मिलके, एक्टिवेशन एनर्जी और हीट ऑफ अ रिएक्शन मिलके क्या बनाते हैं, थ्रेशोल्ड बनाते हैं। तो विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पजैजिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी गेट्स अ डबल। अब देखो जैसे ही हम 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो भी दुगने हो जाते हैं। अब अगर वो दुगने हो गए तो अब ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे, तो मतलब डबल द प्रोडक्ट बना, और डबल द प्रोडक्ट बना तो डबल रिएक्शन हो रही, मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो गया, 2 times हो गया। तो आप ये बात याद रखना है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी डबल होगी, अब पहले के मुकाबले दुगने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, और वो ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो फेवरेबल रिएक्शन या फेवरेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका डबल हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखें क्या है, कि आपको बोला कि एक्सप्लेन करना है 1 gram ऑफ पल्वराइज जो भी आपको बोलना है, पल्वराइज वुड बर्न्स फास्टर देन 1 gram पीस ऑफ वुड। देखो पल्वराइज होता है चूरा, और ये हार्ड पीस है ना, मतलब ये पूरा लॉग होगा, ये लॉग है और ये चूरा है। तो आप ये बताओ 1 gram चूरा और 1 gram पल्वराइज वुड, मतलब चूरा और 1 gram वुड में सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली पल्वराइज का, दैट्स वाई वो ज़्यादा बर्न करता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। तो सिंस 1 gram, बस ये याद रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है, इसके बारे में जल्दी आपको सरफेस केमिस्ट्री में पता चलेगा, पर यहाँ भी पढ़ लो क्या जाता है। तो 1 gram पल्वराइज वुड मतलब चूरा हैज़ मोर सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, देयरफॉर इट्स बर्निंग रिएक्शन, जो बर्निंग वाली रिएक्शन है, या हम बोल सकते हैं कंबशन रिएक्शन रेट इज फास्ट, इसका कंबशन रिएक्शन रेट कैसा होता है, फास्ट होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और कुछ है मसालेदार, नहीं फिर तो हो गया। चलो तो आपका ये चीज ख़त्म होता हुआ, अब इसमें और कुछ है नहीं। अब हम क्या क्या करेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर, मेटलर्जी और सरफेस केमिस्ट्री, ये निपटाएंगे, फिर आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बचेगा। ठीक है, थैंक यू, ये हो ही गया आपका, 1-liner भेजूँगा मैं, वो देख लेना। ठीक है।